यहाँ आपको एक उपाय बता दें, सुनोगे? जो गृहस्थी लोग हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस उपाय को बड़ी ईमानदारी से सुने और अप्लाई करें। जब आप अपने घर से शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं सोमवार अथवा एवरी डे, अगर आपको या अथवा आपके बच्चे को या किसी को भी बुखार आ जाए, वैसे तो ना ही आए भगवान करे, और कोरोना जब तक रहे तब तक तो आए ही ना, तो आएगा बुखार होगा कोरोना, टेंशन है ना। पर फिर भी अगर गलती से किसी को बुखार आ जाए तो आप लगातार 3 दिन ये काम कर लीजिए। पहले ही दिन इसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। पूछिए वो क्या काम करना है। आप अपने घर से जिस पात्र में, लोटे में हो सके तो ताम्र का, तांबे का लोटा हो, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल हो, उसमें गंगा जल डालकर भरकर हाथ में लेकर जाएं, और एक पात्र भी साथ में लेके जाएं छोटा सा। ये प्रैक्टिकल कीजिए अपनी लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल कितना इफेक्टेड होता है। तो जहां जलहरी है वहां उस पात्र को रख दीजिएगा जहां से वो जल निकले, और उस पात्र में गिर जाए, उसमें आ जाए। जल कहां से चढ़ाना है ये भी महत्वपूर्ण है। जलहरी का जिधर मुख है उधर तुम्हारा मुख होना चाहिए, मींस उस लिंग के जस्ट पीछे। तो जिधर जलहरी का मुख है उधर तुम्हारा मुख होना चाहिए, और मात्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक वो जल की धार चढ़ती रहे तब तक इस मंत्र का जाप आप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब जल धारा चढ़ जाए तो उस जल धारा के जल को, जो जलहरी के माध्यम से तुम्हारे पात्र में आ गई है, उस पात्र में लेकर घर वापस आ जाइए, और उस जल को उस जल में मिला दीजिए जिस जल में बच्चे को स्नान कराना है। एक बाल्टी जल लें, उसको उसमें मिला दें और उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। आधे घंटे बाद, क्योंकि तुरंत करेंगे तो ऑब्वियसली ठंडा जल होगा तो टेम्परेचर भी कम आएगा, आधे घंटे बाद आप चेक कीजिएगा बच्चे का या अपना किसी का भी बुखार। तुरंत आपको असर दिखेगा कि वो बुखार कम हो गया, और लगातार 3 दिन करने पर समाप्त हो जाएगा। अब आप हमसे ये पूछिएगा आपने क्यों नहीं किया, ये भी तो पूछ सकते हैं हमसे भी कि आप भी कर लेते, पर ये बात हमें बाद में पता चली, पहले नहीं। जब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि शिव कथा करना हमने बाद में निश्चय किया कि हम बाद में करें, पहले निश्चय तो नहीं किया था, तो पढ़ा पढ़ा तो ये बात समझ में आई और फिर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस कार्य को करने से आपको पता चलेगा कि शिव जी का वो साधारण जल नहीं है जो शिवलिंग पर चढ़ जाता है, वो बहुत गुणशाली हो जाता है। इसलिए सच्ची निष्ठा से किया हुआ प्रयास आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करता है।